बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, क्या पीऊं, समझ नहीं आ रहा। आ गए आप लोग, कैसे हो दोस्तों? तो बीड़ी और सिगरेट, ये दो चीजें हैं आज मेरे पास। आज हम इन्हीं से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि बीड़ी पीने से या सिगरेट पीने से दोनों में से किससे ज्यादा नुकसान होता है, कौन आपके शरीर को ज्यादा हार्म पहुंचाता है और किस तरीके से वो हार्म पहुंचाता है। फायदे तो इसके कोई नहीं होते, नुकसान बहुत सारे होते। तो आज का एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर है कि जब मैं बीड़ी या सिगरेट पीऊंगा तो सिगरेट पीने के बाद जो मेरा धुआं, जो धुआं है वो शरीर के अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद वो किस तरीके से शरीर को परेशानी करता है, क्या प्रॉब्लम देता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, वीडियो में आज हम वही देखेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर दीजिएगा क्लिक। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो इसलिए एंड तक जरूर देखना, एंड में आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी, पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा नुकसानदायक है शरीर के लिए। और आपको वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आए, लॉजिक समझ आए, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख के समझ सके कि उनके शरीर को डेली बेसिस पे कितना नुकसान हो रहा है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ बिना देरी करते हुए। ये देखिएगा दोस्तों, सेटअप हो गया रेडी। सेटअप में मैंने क्या किया है, ये 2 लीटर से ऊपर की मैंने 2 बोतल ली है, इसमें यहाँ पे छेद करके बंद कर दिया है ग्लूगन और माचिस की मदद से, दूसरा छेद यहाँ पे करके इसको बंद कर दिया है, पानी भर दिया है, पानी में अलग अलग कलर भर लगा दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने सिगरेट इस तरीके से देखिएगा ढक्कन में छेद करके ऊपर से ग्लूगन से बंद कर दी है, और इसी तरीके से बीड़ी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कुछ कॉटन लूंगा, कुछ कॉटन को जो है मुझे थोड़ा सा कॉटन लेके इस तरीके से ढक्कन के अंदर इसको यहाँ पे लगा देना है। अब क्या होगा, दोनों बोतल में जब मैं इसे लगा दूंगा, लगाने के बाद ढक्कन को कर दूंगा मैं बंद, और ढक्कन बंद करने के बाद होगा क्या, जो भी धुआं है वो कॉटन के थ्रू होके बोतल में जाएगा, जब मैं इन्हें खोलूंगा तो पानी नीचे से जाएगा और वो स्मोकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और धुआं बोतल के अंदर इन वाली जो हमारा ये रुई है इसके अंदर से होके जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि धुएं से क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा वीडियो में। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं सिगरेट और बीड़ी दोनों जो है उनको जला देता हूं। तो ये सिगरेट जलनी स्टार्ट हो गई है, अगला नंबर जो आएगा वो बीड़ी का आएगा। आप में से अगर बीड़ी सिगरेट कोई पीते हैं और अगर सोचेंगे ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। जो लोग रेगुलर पीते हैं उनको कम लगता होगा, बट अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद शायद वो लोग भी बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ देंगे दोस्तों। तो सिगरेट जल चुकी है, बीड़ी भी ऑलमोस्ट जल गई है। अभी जैसे ही मैं माचिस की तिल्ली निकालूंगा, पानी इसमें से निकलना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर एक वैक्यूम बन जाएगा, हवा इनहेल करना शुरू कर देगा और स्मोकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप मुंह से करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपको समझाने के लिए मैं कमरे के अंदर ये धुआं भी बर्दाश्त कर रहा हूं, तो इसके लिए वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ये देखिएगा, इसको मैं यहां से जो ग्लूगन लगाई हुई है माचिस की तिल्ली से थोड़ा मैंने अच्छी करके चिपकाई थी ताकि कोई लीकेज ना हो, तो उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिएगा ये निकल गई है, और अब दूसरे वाली भी मैं निकाल देता हूँ। और ये दोनों निकल गई हैं। नीचे मैंने पानी के लिए बाल्टी लगाई हुई है और ये पानी इसके अंदर जा रहा है, और ये देखिएगा धुआं इनहेल होना शुरू हो गया है, और धुएं के साथ साथ बोतल में भी धुआं आ रहा है। बीड़ी का धुआं कुछ ज्यादा स्पीड से निकल रहा है, सिगरेट जल रही है बट उसका धुआं इतनी तेजी से नहीं निकल रहा है, सारा का सारा अंदर ही जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये जो पूरा का पूरा है बीड़ी और सिगरेट, पानी खत्म होने से पहले पहले जल जाएगी। दोनों की स्पीड देखिएगा अभी दोस्तों, ये देखिएगा धुआं देखिएगा कितनी स्पीड से बीड़ी और सिगरेट दोनों का निकल रहा है, कितनी इतनी तेजी से। तो आप भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते होंगे जितनी तेजी से बोतलें स्मोकिंग कर रही हैं। और बीड़ी खत्म हो गई है, सिगरेट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इनको पूरा जल जाने देते हैं और उसके बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। रिजल्ट देख के आप चौंक जाएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है आपकी बॉडी के साथ। चलिए दोस्तों पहले बीड़ी को निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है पूरी की पूरी। ये देखिएगा पूरी जल गई है, और अब सिगरेट को भी निकाल लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, पहले मैं ऊपर से टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये तो बीड़ी वाली जो है उसमें थोड़ी सी आग भी लग गई थी रुई में, जिसकी वजह से वो जल गई है, और ये सिगरेट वाली है। और धुआं देखेंगे तो धुआं दोनों के अंदर भरा हुआ है, पानी ये देखिएगा निकल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो उस प्रोसेस को तो चलने देते हैं और प्रोसेस के साथ साथ इनका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये बीड़ी वाली
रुई हम निकाल लेते हैं बाहर। ये थोड़ी काली भी हो गई है क्योंकि ये अंदर से इसमें आग लग गई थी, बीड़ी जो थी वो अंदर तक जल गई थी दोस्तों। और दूसरे जो है वो सिगरेट वाली है, उसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ रुई को। ये दोनों कॉटन मेरे पास आ गई है। अच्छा हुआ वो जल गई, उसमें एक डिफरेंस भी आ गया, पता चल जाएगा बीड़ी की कौन सी और सिगरेट की कौन सी है। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये बीड़ी वाली, ये जो काली है, ये जो काली हो गई है इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये जलने की वजह से हो गई है, कॉटन में आग लग गई थी। बट इसको आप अंदर से देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा इसका जो रंग है पीला पीला हो गया है और बीड़ी की वजह से इसके अंदर टार जमा हो गया है। दूसरी जो है वो सिगरेट की है, सिगरेट का देखिएगा, सिगरेट के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा दोस्तों सिगरेट के अंदर की जो रुई है उसके अंदर कितना टार जमा हो गया है, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। बीड़ी वाला जलने की वजह से दिख रहा है, बीड़ी की अगर आप बात करेंगे तो बीड़ी का टार कम जमा हुआ है, बट सिगरेट का जो टार है, सिगरेट का टार बहुत ज्यादा जमा हो गया है दोस्तों। तो सिगरेट ज्यादा मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम करती है इन कंपैरिजन टू बीड़ी, बट नुकसान दोनों ही देती है। तो सिगरेट और बीड़ी दोनों ही आप छोड़ दीजिएगा, अगर आप पीते हैं और आपके रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में कोई पीता है तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करके उनसे भी रिक्वेस्ट करिएगा कि वो भी जल्दी से जल्दी छोड़ सके। चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।